का स्वागत करता हूँ मेरी ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर। तो प्लस वन क्लास आज का टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक चीज बेसिक वे से समझाई जाएगी, इनको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो आज बात करने जा रहे हैं क्वांटम नंबर की। नील बोर ने क्या किया, एक नील बोर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो एक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, ये बात हम कर चुके, पर ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसके ऊपर एक इक्वेशन ड्राइव हुई जिसको कहा गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जरा उसके बारे में पढ़ते हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इसकी बात करते हैं सबसे पहले, ताकि आपको बेसिक जो है, जो आपका बेसिक है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर इस पे चलेंगे, वापिस आएंगे क्वांटम नंबर के ऊपर। सो वेव मैकेनिकल मॉडल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में जो क्वांटम है उसका मतलब क्या होता है, छोटी छोटी चीज, छोटी से छोटी चीज, इसका मतलब ये हुआ। और वेव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, जो क्या है इलेक्ट्रॉन को वेव कहा गया है, और इसको मैटर वेव भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मैटर वेव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो वेव है इसके ऊपर श्रोडिंगर ने क्या कहा, ड्राइव की एक इक्वेशन ड्राइव कर दी वेव इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो वो इक्वेशन क्या थी, डी स्क्वायर साई, इसको क्या बोलेंगे, साई, ठीक है। ये आप सारे सिंबल जानते हो। साई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। और जो ये एक्स वाई जेड आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर डायमेंशंस, ये क्या है, डायमेंशन है, ठीक है। डायमेंशन आप जानते ही हो, दीज आर दी डायमेंशन एक्स वाई जेड, दीज आर दी डायमेंशन। यही डायमेंशन बाद में ये तीनों वेरिएबल क्या बन जाएंगे, क्वांटम नंबर बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, डायमेंशन ये क्वांटम नंबर बन जाएगी, यही से आया है क्वांटम नंबर, ओके। तो यहाँ पे जो डी स्क्वायर है इसका मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो आप प्लस वन या प्लस टू में करते हो मैथ के अंदर, उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको इक्वेशन याद रखनी है। ई क्या है एनर्जी, वी क्या है न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट, एम मास, जेड वाई एक्स क्या है वेरिएबल्स, और यही वेरिएबल क्या बन जाते हैं बाद में, क्वांटम नंबर। सो चलते हैं, जरा पढ़ते हैं क्वांटम नंबर क्या होते हैं। सॉल्यूशन क्या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, कि गिव्स थ्री वेरिएबल, उससे तीन वेरिएबल हमें दिए एक्स वाई जेड, जो क्या बताते हैं पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं, कौन सी पोजीशन जहां प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की ज्यादा पाने की, यानी जहां हमें ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उसके बारे में बता रहा है, वो तीन वेरिएबल एक्स वाई जेड, ठीक है। यहां प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन हमें ज्यादा ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। यही तीन वेरिएबल क्या कहलाते हैं, तीनों क्वांटम नंबर कहलाएंगे। कौन कौन से क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजुमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक फोर्थ वन और होता है क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, ये बाद में ऐड हुआ। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हम बना लेते हैं पाम्स, ठीक है, पाम्स याद रहेगा, ठीक है। पाम तो आपका है ही है, एलगार्ड तो पाम्स बन गया। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करते हैं एन से नोटेशन यूज करते हैं, एजुमिथल के लिए स्मॉल एल यूज करते हैं, मैग्नेटिक के लिए स्मॉल एम, और स्पिन के लिए एस यूज करते हैं। ये क्या है, एक तरीके का एड्रेस है, क्या है एड्रेस, किसका, इलेक्ट्रॉन का, जो क्या बता रहा है कि यहां ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है उसके बारे में बता रहा है। जरा आप एक चीज कंसेप्ट से मैं आपको समझाना चाहूंगा, समझिए आप कहां रहते हो, अर्थ पर, कहां पे रहते हो, अर्थ पर, अर्थ को कह दो एन, ठीक है। अर्थ में कहां पे रहते हो, इंडिया में, इंडिया हो गया एल, इंडिया में कहां रहते हो, कैथल, कैथल हो गया एम, कैथल में कहां रहते हो, कॉलोनिया हाउस, हाउस में, घर में, ये क्या हो गया एस। सो इस तरीके से ही हमारे पास क्या बन गया, एक तरीके का एड्रेस, क्या आप कहां रह रहे हो, अर्थ में, अर्थ में कहां, इंडिया पे, इंडिया कैथल, कैथल हाउस, ठीक है, एन एल एम एस। तो एन एल एम एस ये क्या है आपके फोर क्वांटम नंबर, ठीक है। तो इससे पहले एक डिफरेंस और करते हैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है, जरा जानते हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल इज, ऑर्बिट क्या है, एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ऑर्बिटल क्या है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना ज्यादा है उसे ऑर्बिटल कहते हैं। ये 3D रीजन होता है, ये प्लेनर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, एक्स वाई जेड यानी अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, और ये पूरा सर्कुलर पाथ जो चक्कर लगा रहा है, ठीक है, इसको KLMN से डेजिग्नेट करते हैं, यहाँ पे SPDF आ जाएगा। अब कोई सर ये SPDF क्या है, ये आगे मैं समझाऊंगा आपको अबाउ प्रिंसिपल के अंदर, तो इसको डिटेल में इसको अभी होल्ड पे रखें, क्योंकि अभी समझाना स्टार्ट करूंगा कंफ्यूज ज्यादा हो जाओगे। ये सर्कुलर शेप में, और इसकी डिफरेंट शेप होती है, एस की शेप अलग, पी की शेप अलग, डी की शेप अलग, एफ की शेप अलग, पर इनकी शेप क्या है, सर्कुलर। जैसे आप नाइन्थ में करके ये न्यूक्लियस हो गए, मैं ऑर्बिट
इसकी बात करो ऑर्बिट की, तो ये आपने न्यूक्लियस ले लिया, न्यूक्लियस के चारों तरफ कौन सी सेल आ गई, के, ये भी कैसी है, एल, ये भी कैसी है, एम, तो तीनों की शेप क्या है, सर्कुलर, तीनों की शेप क्या है, सर्कुलर। अगर मैं यहाँ पे शेप बनाना स्टार्ट करूँ, एस की शेप होती है सर्कुलर, ई की शेप होती है डंबल शेप, डी की भी शेप होती है डंबल शेप, ठीक है, पर ये एक्सिस के हिसाब से अलग अलग हो जाती है, सेम एफ की, तो यहाँ शेप क्या अलग अलग है, यहाँ पे शेप क्या सेम है, ये प्लेनर मोशन है, ये 3D मोशन है। जरा समझते हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में वन बाय वन, तो स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसे पहला है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एक इंटीजर्स है जो जीरो से स्टार्ट होता है, पर कभी भी इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती, एन की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती, इसको एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन से। ये हमें बता क्या रहा है, अबाउट दी सेल्स, इसके बारे में बता रहा है, सेल के बारे में, और सेल क्या कौन सी होती है हमारी, के एल एम एन, ये क्या है, सेल्स है। ये आप 9th में पढ़ के आए हो, जरा दोबारा फिर से बना देता हूँ, पिछले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ इनके बारे में, जब बोर्ड पढ़ा था हमने, तो ये के हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया, तो ये क्या है, सेल्स है। अगर एन वन होगा तो के सेल, एन टू होगा तो एल सेल, थ्री हुआ एम सेल, फोर हुआ एन सेल। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो एक चीज और बता दूं आपको, न्यूक्लियस के पास जो सेल होती है यानी के सेल, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है जो न्यूक्लियस के क्लोज होती है, ठीक है। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। ये हमें क्या बताता है, सब सेल के बारे में बताता है, क्या कह सकता हूं मैं, सब सेल्स के बारे में बताता है। यानी आप कहोगे सर इस सेल से भी छोटी है, बिल्कुल, इस सेल के अंदर जो सब सेल प्रेजेंट होती है उनके बारे में बता रहा है। अभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, जोड़ते जाना एक एक चीज को। तो सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर सब सेल्स के बारे में बता रहा है। सब सेल के अंदर कौन बताएगा, थर्ड क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर के अंदर कौन बताएगा, फोर्थ क्वांटम नंबर। यानी आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल सीरीज में चल रहा, बिल्कुल आप समझते जाओ, जरा शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है साथ में। तो L अगर मेरा 0, L क्या है, 0 टू n माइनस 1 होता है। अगर मेरा n 1 है तो L कितना होगा, 0, L कितना होगा, 0। अगर n 1 है तो, अगर मेरा n 2 है तो L कितना होगा, 1, n माइनस 1 करता जा रहा हूं भाई, कैसे आया 0, n माइनस 1 करके देखा, यहां भी n माइनस 1 करके देखा। तो अगर L की वैल्यू 0 आ जाती है, ये प्लीज अच्छे से कर लेना, L की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसको s ऑर्बिटल कहेंगे, ये तो ऑर्बिट हो गया, ये ऑर्बिटल हो गए। तो एल की वैल्यू अगर 0 तो एस, 1 आ गई तो पी ऑर्बिटल, 2 आ गई तो डी ऑर्बिटल, 3 आ गई तो एफ ऑर्बिटल, और 4 आ गई तो जी ऑर्बिटल। एस की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। एस की शेप क्या है, स्फेरिकल, ठीक है, डबल शेप, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। और पी की क्या होती है, डबल शेप, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे हो सकती है, ओके। और डी की शेप क्या है, डबल डंबल, यानी कहीं भी ये चीज कर सकता है। और F क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, F क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, और यहाँ पे नो इलेक्ट्रॉन फाउंड, G में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये हमें ऑर्बिटल और शेप ऑफ सेल्स या ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है। इनको बाद में जोड़ूंगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें सारी समझ में आएगी। प्लीज साथ साथ जोड़ते जाना। मैंने क्या कहा, एन वन है तो के सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एन टू है तो एल सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, एन थ्री है तो एम सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका अंदर सब सेल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए, ये पूरा का पूरा ऐसे लिख लेना इसको, जब भी आप क्वेश्चन करो उससे पहले लिख लेना। तो चला इनको और डिटेल में करते हैं। एम वन है तो एल हो गया मेरे पास 0। आपको सर ये 0 कैसे, अभी थोड़ी देर पहले अभी पिछले बोर्ड पे आपने देखा एल की वैल्यू कैसे आती है, एन माइनस 1 करके। और एल की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एल की वैल्यू होती है 0 से एन माइनस 1, ठीक है, यही होती है ना, 0 से एन माइनस 1। तो 0 से एन माइनस 1 है तो ये तो 1 ही है, तो 1 का क्या आ गया 0। तो 2 अगर मैं ले लूँ, अगर 2 ले लूंगा तो क्या क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 0 और 1, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 0 और 1 की। 3 पे क्या होगा 0 1 और 2, और 4 पे क्या होगा 0 1 2 3। ये 0 टू n माइनस 1 का मतलब है, 0 टू n माइनस 1 का। अगर मेरे पास l 0 है तो कौन सी सब सेल बनती है, s, पिछला बोर्ड नोट कर रखा होगा सबने। तो अगर मेरे पास 0 है तो s बना, और अगर 1 है तो p बना। यहां भी देखिए 0 है s बना, 1 है p बना, और 2 है तो d बना, ये सब सेल्स बन रही है यहां पे, एस पी डी एफ, ये चार बने, ठीक है। अगर मेरे पास ये बन गए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, जरा समझते जाना। ये एन है और ये सब सेल है, इन दोनों को जोड़ना आती है,
एन को और सबसेल को। अगर मैं एन को जोड़ता हूँ वन और ये आ गया वन एस। थोड़ी देर बाद आएगा ये चीजें, आप बोलोगे सर कैसे है, कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो चल रही है, प्लीज अपना बेसिक यहाँ से स्ट्रोंग करते जाना, प्लस टू बड़ा काम आएगा। यहाँ पे देखिए ये टू है, नजर आ रहा है सबको, तो ये क्या बना टू एस टू पी। ये थ्री है तो ये क्या बनेगा, आप जरा बना के देखो थ्री एस थ्री पी एंड थ्री डी, बिल्कुल क्लियर है। फोर आ गया, फोर लगा लो, फिर उसके बाद एस उठा लो, फिर फोर उठा लो, फिर पी लगा दो, फिर फोर उठा लो, फिर डी लगा दो, फिर फोर लगा दो, फिर एफ। तो इस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्राई हो जाती है। अगर आपसे कोई ये चीज पूछ ले हाउ मेनी नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल, एक सेल के अंदर कितनी सब सेल होती है, जरा उसको भी समझ लीजिए। एन हमारे पास वन टू थ्री फोर दे रखा है, कुछ भी अगर मेरे पास एन वन दे रखा है, एल कितना आएगा जीरो, बिल्कुल राइट है। तो नंबर ऑफ सब सेल कितनी बनी, नंबर ऑफ सब सेल कितनी बनी है, अरे कितनी बनी, एक ही है ये जीरो वाली, नहीं याद है तो सब सेल लिख लेते हैं ऊपर, ऊपर लिख तो रखी है जरा देखिए ऊपर, तो यहाँ कितनी सब सेल बनी है एक, तो कितनी बनी एक, यहाँ टू के हिसाब से कितना है जीरो और वन, तो नंबर ऑफ सब सेल कितनी बनी दो, एक दो, यहाँ कितनी बनी तीन वाले में तीन, चार वाले में चार। तो कहने का मतलब क्या, जितनी सेल होंगी उतनी नंबर ऑफ सब सेल होंगी, जितना नंबर सेल का होगा। अगर मेरे को ये एन वन है, ये कौन सी सेल को रिप्रेजेंट करता है, के को, ये टू है ये किसको रिप्रेजेंट करता है एल को, ये थ्री है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एम को, ये फोर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एन को। जरा एक चीज को ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये के एल एम एन ये कहाँ पढ़े, नाइन्थ में पढ़ के आए हो, एन की वैल्यू वन है, के सेल, के सेल के अंदर सब सेल, के सेल के अंदर सब सेल कौन सी पाई जाती है वन एस, कौन सी पाई जाती है 1s। अगर बात करूं l की, l सेल है, इसके अंदर सब सेल कौन सी पाई जाती है 2s एंड 2p, यानी सेल से भी छोटी चीज है सब सेल, ठीक है। और m के अंदर कौन सी पाई जाती है 3s 3p 3d, ठीक है। और n के अंदर कौन सी पाई जाती है 4s 4p 4d एंड 4f। सो अच्छे समझ में आया होगा, नहीं है कुछ कभी रह जाती है, वीडियो को दोबारा फिर से वॉच करने की कोशिश करना, समय ही ऐसा है, ठीक है। वर्चुअली आपको समझा रहे हैं तो वीडियो को अच्छे से ऑब्जर्व करना, आगे इसको और समझते हैं जरा। जो भी इधर क्वांटम नंबर का हम एक जगह और प्रयोग करते हैं, कहां पे, टू कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3p सबसेल, 3p सबसेल में कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो मुझे फॉर्मूला आना चाहिए, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, h / 2 pi √LL+1। L क्या है, एजोमिथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब 3p दे रखा है, सर मुझे कैसे पता लगेगा इसमें एल क्या और एल क्या, भाई अभी बता के तो आए हैं, एन आपने वन लिखा, एल कितना आया जीरो, फिर आपने इसका सबसेल बना दिया वन एस, इस तरीके से बना के, नहीं याद है तो आप एल की वैल्यू जरूर लिखें, एल जीरो वन टू थ्री एस पी डी एफ, ये जरूर याद रखें, ठीक है। आगे इनके एन की वैल्यू लगानी है बस हमने, तो जरा देखिए 3p दे रखा है, 3p में एन कितना है तीन, एल कितना आ गया वन, एल कितना आ गया वन, वन क्यों लिया, क्योंकि ये देखिए इसलिए लिया, एल की वैल्यू लेनी थी मुझे। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एच बाय टू पाई अनरूट वन वन प्लस वन, ठीक है। तो मेरे पास क्या गया एच टू पाई अनरूट टू, तो मुझे वैल्यू पता है, एच की वैल्यू कितनी होती है, प्लैक्स क्वांटम नंबर है भाई ये एच, पिछले वीडियोस में देख चुके हो, 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3.14 ले लो पाई, ठीक है 22 बटा 7 ले लो, ठीक है, मल्टीप्लाई 1.414 ये अंडर टू होता है, ये भी मुझे याद है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा काटूंगा बांटूंगा मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा चलते हैं थर्ड क्वांटम नंबर पे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की थर्ड क्वांटम नंबर आ गया, आपने दो क्वांटम नंबर कर ली, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजोमिथल क्वांटम नंबर, दोनों का वैल्यू अच्छे से कर ली। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो उसको डिनोट करते हैं एम से, ठीक है, किससे डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। ये मैं क्या बता रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल के बारे में, पहला किसके बारे में बता रहा था सेल के बारे में, दूसरा किसके बारे में बता रहा है सर सब सेल के बारे में, तीसरा किसके बारे में बता रहा है ऑर्बिटल के बारे में, और चौथा किसके बारे में बताएगा ओरिएंटेशन के बारे में, यानी स्पीड कहाँ घूमेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको नोट कर लो, ये सेल मिलके क्या बनाते हैं, बायो में चीजें पढ़ते हो, सेल मिलके क्या बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं ऑर्गन, मिलके क्या बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, इस तरीके का यही है। सेल मिलके क्या बनाते हैं सबसेल, सबसेल मिलके क्या बना रहे ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है ओरिएंटेशन यानी मूवमेंट। तो ये नोट कर लिया होगा सबने, ठीक है। तो बात करते हैं जरा
इसी पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो ये क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास एल जीरो है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। अगर मेरे पास एल वन है तो ये क्या होगा, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, इंटीजर्स लिखने हैं, क्या लिखने हैं, मैं क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इंटीजर्स, याद है ना, वन माइनस वन जीरो, तो टू के इंटीजर क्या होते हैं, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, यही होते हैं। और थ्री क्या होते हैं, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू, तो माइनस और प्लस की वैल्यू लिखकर बीच में क्या रखते हो, जीरो को। अब आपको सर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, तो पल्ले पर लगा लेते हैं आपके ऑर्बिटल बता रहे हैं, ऑर्बिटल को हम स्क्वेयर फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं, तो जीरो के लिए कितना बॉक्स आया, वन बॉक्स, और यहाँ पे कितना बॉक्स आया, थ्री, यहाँ पे कितने बॉक्स आएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे कितने आए, एक दो तीन चार पाँच छः सात। आपको सर ये कैसे है भैया, वैल्यू कितनी है, जीरो बॉक्स, यहाँ कितनी, एक दो तीन, तीन बॉक्स, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ वैल्यू देख कितनी है, सात, तो यहाँ पे कितने, सेवन बॉक्स। प्लीज इनको अच्छे से तैयार करना, ठीक है। तो एस के लिए कहीं भी वन एस आता तो वन डब्बा बनेगा, अगर जहां भी पी लिखा आएगा उसके लिए तीन डब्बा बनेगा, जहां डी लिखा आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उसके लिए पांच डब्बा, और जहां एफ लिखा आएगा उसके लिए सात डब्बा बनेगा, याद रहेगा ये सब कुछ, ठीक है। एस के अंदर थोड़ा सा नॉलेज आगे बढ़ाता हूं, दो इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, पी के अंदर मैक्सिमम सिक्स इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, ये मैक्सिमम लिख रहा हूं, मैक्सिमम, ठीक है। डी के अंदर कितने भर सकते हो, 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ के अंदर मैक्सिमम कितने भर सकते हो, 14 इलेक्ट्रॉन, यानी कहने का मतलब पर बॉक्स 2 इलेक्ट्रॉन, मिनिमम तो 1 रह सकता है पर कितना, 2 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस तरीके से, अगर दो भर रहा हूं तो ये, ठीक है, आधी एरो, आधी एरो, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, अभी फोर्थ वन पढ़ेंगे जरा, उसको रिप्रेजेंट करेगा, अभी थोड़ा रुक जाते हैं यहाँ पे। एस में दो, पी में छह, डी में दस, और एम में 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। जरा नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपसे पूछ ले कि फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट, अब इतना लंबा चौड़ा थोड़ी करके देखेंगे, शॉर्टकट चाहिए कॉम्पिटिशन के हिसाब से, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल लें गिवन सबसेल के अंदर, किसमें निकाल लें, सबसेल के अंदर, फॉर्मूला क्या यूज करोगे, 2L+1, ठीक है। अब ये 2L की वैल्यू दे रखी है, L की वैल्यू 0 है, तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, 1 ही तो है। अगर कहते 1, जरा लगा के देख लो उस फॉर्मूले को भी, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3, कितने हैं, 3 ही तो है, वही सामने है फॉर्मूला, वही है, ठीक है। अगर कहते सेल के अंदर पूछ ले, सेल के अंदर कैसे करेंगे, एन स्क्वायर, सेल के अंदर कैसे करेंगे, एम स्क्वायर, जरा देखिए समझिए यहां पे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकाल लें एन इक्वल टू के अंदर, क्या कर दूं, एम स्क्वायर कितना आ गया, तो डायरेक्ट आंसर है, तो बड़ा अच्छा शॉर्टकट है, बहुत अच्छी चीज है, इसको अच्छे से रिवाइज करना। चलते हैं फोर्थ क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर पे बात करते हैं, फोर्थ क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट करते हैं एमएस से, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी नहीं, एमएस, स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये किस पे बेस है, ओरिएंटेशन के बारे में बताती है इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कहने का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट से राइट की तरफ घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब क्या हो गया, राइट से लेफ्ट की तरफ घूम रहा है। तो अगर क्लॉकवाइज घूमता उसके लिए हम यूज करेंगे प्लस हाफ, और एंटी क्लॉकवाइज घूमता उसके लिए करेंगे माइनस हाफ। अब मुझे ये तो कोई दर्शाएगा नहीं कि एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज, तो आपने क्या करना, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए आप प्लस माइनस हाफ लिख दोगे, क्या लिख दोगे, प्लस माइनस। पर अगर वो स्पेसिफिकली कह रहा है क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो प्लीज प्लस हाफ पे एक पर टिक होगा, अगर कहता है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो माइनस हाफ पे क्लिक होगा। जरा फिर से रिवाइज कर देते हैं एक बार, तो हम चले गए कहां से, सेल, सेल से के अंदर घुस गए, सेल के अंदर हमने क्या देखी, सब सेल, सब सेल के अंदर हमने क्या देखे, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर हमने क्या देखी, ओरिएंटेशन, ठीक है। सेल को कौन रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब सेल को कौन रिप्रेजेंट करता है, एजोमिथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल को कौन रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, स्पिन क्वांटम नंबर। एन क्या हो सकता है, सेल के बारे में बता रहा है, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, के हुई 1, एल हुई 2, एम हुई 3, एन हुई 4। एल क्या आता है, एल इक्वल टू एन माइनस 1, 0 टू एन माइनस 1, यही कहेंगे 1 हुई तो 0, अगर 2 हुई तो 0 और 1, अगर 3 हुई तो 0 1 2, अगर 4 हुई तो 0 1 2 3। तो अगर एल की वैल्यू 0 होती है
यहाँ लिख देता हूँ, एल की वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3 होती है तो एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स का नाम देंगे इनको, ठीक है। तो ये हमें क्या बताता है, इंटीजर्स के बारे में, यानी छोटे छोटे ऑर्बिटल, सब सेल के अंदर भी ऑर्बिटल होते हैं। तो जिसको हम रिप्रेजेंट एस के लिए 1 बॉक्स, पी के लिए 3 बॉक्स, डी के लिए 5 बॉक्स और एफ के लिए 7 बॉक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और स्पिन क्वांटम नंबर हमें स्पिन के बारे में बताता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के बारे में। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, और समझ लेना। अगर फिर भी आपको डाउट आती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, व्हाट्सएप मी, एनीथिंग यू कैन डू। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।